लेकिन मैनू यह नहीं लगता कि अज तक कोई निजी ऐसा किया हो कोई बार निजी तौर पर प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत इस तरह की सी कि कोई भी है उन्होंने दुख सुख के हमेशा एक आम जिम्मे आप कहने एक इंसानियत के तौर पर शामिल होंगे। मैं दो ही इंसीडेंट याद है, मेरे पिता जी की जो डैथ हुई सी उस वेले प्रकाश सिंह बादल जी तो गुरचरण सिंह टौड़ा दोनों साढ़े पिंड गए सी अपने अफसोस करने तो यह कहने कि अब तू सा निजी तौर पर छोटी भैन है तू तो वो रिश्ते इन्होंने पाले भी है निजी तौर पर सियासी साड़िया लड़ाइया रही उन्होंने अपनी रही मेरी अपनी रही लेकिन निजी कदम कड़त्तर ना मैं उन्होंने ना उन्होंने साढ़े लिए की है। इस तरह मेरे भरा की डैथ वेले भी मनजीत सिंह के वेले भी पूरा इन्होंने दुख प्रगट किया और हमेशा हलीमी तो ये अपना हमदर्दी हर एक मिठ बोलने तो लंबी सोच वाले इंसान से सियासत का बाबा बोर्ड कहा जाता कहते विरोधी भी अगर गुस्से च आए है उन्होंने जो बुला लेंगे सके चाह पानी पिला लेंगे विरोधी का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है तुहाडे नाल कोई अजिही गल हुई होवे क्योंकि एक बार मैंने याद है कांग्रेस कोठी का घेराव कर आई अद्धा घंटा पहले ही आके बैठ गए कहते आओ पहला चाह पानी पीओ उस तो बाद तुहाडे नाल गल करदे। मैं ही दस्सिया कि एक इंसानियत का बहुत वड्डा गुण सी उन्हां दे विच कि जो असीं अपनी पार्टी दीआं कामां साडे फर्ज़ असीं करनियां ने लेकिन निजी कड़त्तर नहीं रखते हमेशा लेडीज़ का सम्मान ही किया उन्होंने क्योंकि यूनिवर्सिटी कहा जाता सियासत की उन्होंने तुहाडा दौर जिहड़ा सीगा प्रकाश सिंह बादल पट्टल होरां दा दौर और तुहाडे आपसी टकराव आपसी गलबात तुहानूं लगता है किस तरीके नाल हो रही है? देखो मैं यही कह भी वह तो वाकई सरपंची तो लैके मुख्यमंत्री तक सेंटर के वजीर तक पहुँचना खुद अपने आप में एक मिसाल है कि सियासी बोर्ड ही सीगे बहुत वड्डे सियासत का एक चैप्टर से उस वक्त समय का तो इसलिए जिवें कहा है कि सारे सरकारी मालवे के दोनों से मेरा टकराव भी उस वक्त ये अपनी अकाली दल के से मैं कांग्रेस के असी सियासी विरोधता की है किसी भी चीज तुहाडे नाल कोई अखीरली गलबात हुई होवे जां कोई अजिही गलबात जिहड़ी तुहानूं हमेशा याद रहेगी? नहीं हमेशा यही हुंदा हैगा कि बीबा जी तुहाडे पिता जी की बहुत वड्डी कुरबानी है तुहाडा परिवार एक खजाना हैगा देश लई कुरबानियां करन वाले दा मैं ते मेरा परिवार हमेशा इस गल दा तुहाडी देश भगती वाले परिवार दी सांझ दा सत्कार करदा। ठीक है हरजिंदर कौर पट्टल साबका सीएम पंजाब डिप्टी सीएम पंजाब ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਓ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਡੈਪਥ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿੱਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता के डी भंडारी ये तमाम लीडर जड़े ने पहुंचे ने ज्ञान चंद गुप्ता श्रद्धांजलि पेड़ ज्ञान जी केड़ी चीज़ तुम लगता कि सियासत बाबा बोर्ड के नाम तो जाने जाते सरदार प्रकाश सिंह बादल की हमेशा कमी रहेगी हमेशा चीज़ अधूरी रहेगी? मैं समझता हूँ जिहड़ा देश दे विच हिंदू सिख और भाईचारे नूं एक ताकत देने वाला व्यक्ति जिन्हें पूरे अपना जीवन देश की एकता वास्ते अखंडता वास्ते जिन्हें लगाया सारों कट्ठे करके सारों जोड़ के रखने वास्ते लगाया अज यह जी शख्सियत साढ़े विचों चली गई है। मैं समझदा ये नाल कले परिवार को तो है ही है नुकसान पंजाब नू भी पूरे देश नू उन्होंने जाने का बड़ा भारी नुकसान इंडिया का सब तो पुराना अलायंस पार्टनर रहे ने बिल्कुल मैनू तो वो दिन याद है जिस दिन पहली बारी मैं पार्षद बनिया सीगा ते पार्षद दे रूप सानू ओथ लाने वास्ते सरदार प्रकाश सिंह बादल आए सीगे लाल किशन डवानी जी आए सीगे और नरेंद्र मोदी उत्थे प्रेजेंट सीगे उस वेले एक गल उन्होंने कही सी
कि तुहानू जिहड़ा चुनिया गया वह सेवा वास्ते चुनिया गया और तुसी जाके सेवा करो। ये इस उन्होंने जो गल कही मैं समझदा कि अज भी जिहड़े भी राजनीतिक हैगे आ जिहड़े भी चुने हुए नुमाइंदे मैं समझदा कि उन्होंने वास्ते बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो यह सन ज्ञान चंद गुप्ता। ज्ञान चंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, वख-वख सियासी शख्सियतां जिहड़ियां उह पहुंच रही ने, चाहे ज्ञान चंद गुप्ता होन, चाहे लाल सिंह होन, चाहे पंजाब के सबका सीएम रजिंदर कौर भट्ठल वो अपने अंदाज दे विच याद कर रहे सीगे। तो वख-वख शख्सियतां अपने अपने लैवल ते जिहड़ियां उह याद कर रही। गुरु रजिंदर कौर भट्ठल, लाल सिंह विधानसभा हरियाणा के स्पीकर, ज्ञान चंद गुप्ता, केडी भंडारी, तमाम शख्सियतां पहुंच रही। अज बीजेपी दे नाल चाहे रिश्ता टुटिया होवे, बीजेपी के तमाम लीडर भी पहुंच रहे। कांग्रेस के नाल हमेशा जिहड़ी है सत्ता विरोधी धिर ये लड़ाई चलती रही होवे, लेकिन अज वो भी रिस्पैक्ट दे रहे। और लाल सिंह तां इत्थों तक कह गए कि गरीबां दे मसीहा सी, पर अजिहा लीडर कभी पैदा ही नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, एक एक सेम टोन तुसी कह सकते हो कि सारे जिहड़े लीडरां दी नजर आ रही है और लगातार चाहे वह कांग्रेस दे नाल जुड़े होण या किसी होर पोलीटिकल पार्टी दे नाल जुड़े होण चीज़ां बोल रहे हैं। इस विचाले मैं एक होर जानकारी अपने दर्शकों नूं दे दवां। प्रधानमंत्री दे इत्थे पहुंचण दा समां जिहड़ा साडे कोल शेड्यूल जिहड़ा पूरा टाइम होया है 12:15 ते प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंच रहे ने और 12:30 दे उत्ते इत्थे पहुंचणगे। साडे कोल जानकारी है 12:30 प्रधानमंत्री इत्थे पहुंचणगे और अगली इन्फॉर्मेशन कि 15 के लिए उन्होंने इतने रुकना है, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो उस तो बाद 12:45 के उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतों वापस निकल जाएंगे। तो हुण करीब करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री इतने पहुंचणगे जो जानकारी साडे कोल आ रही है। ये भी तुहानू दस दिए कि जानकारी यह भी है कि पंजाब के जिहड़े गवर्नर ने बनवारी लाल पुरोहित वह भी प्रधानमंत्री के नाल ही उस काफिले के नाल ही इतने पहुंचणगे। 12:15 पहुंचणगे चंडीगढ़ से 15 करीब करीब उतों लगते हैं। तो इतने 15 के उन्हों का काफिला पहुँच जाएगा। 12:30 वह इतने अपने श्रद्धा के फुल भेंट करने के लिए पहुंचणगे। तो उस तो बाद करीब 15 तक प्रधानमंत्री के इतने रुकण का पूरा प्रोग्राम है और 12:45 के उत्ते वह इतों वापस रवाना हो जाएंगे। साढ़े को जी अहम जानकारी जरूर पहुंची है। पंकज जो आप जिक्र कर रहे हैं ओपोजिशन का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी भी एक तरीके हूँ अकाली दल तो ओपोजिशन हो चुकी है। एक समय जरूर 9 मास का रिश्ता कहा जाता से इकट्ठे से, पर अज समीकरण कुछ वक्रे ने, पर सारिया चीज़ा पिछे ने। और अज जो जिक्र हो रहा है तो जरूर जिक्र इस चीज़ का ही हो रहा है कि उन्हों की शख्सियत बादल साहब का जिक्र, उन्हों की शख्सियत, उन्होंने वालों पोलीटिकल तौर के उत्ते लए गए कदम और जिस तरीके पंजाब दे विच वक-वक समय से जो चीज़ा हुई उन्होंने हैंडल करन दा जिक्र होवे वो सारा कुछ हुंदा होया नज़र आ रहा, वो सब का जिक्र अज करते हुए नज़र आ रहे हैं जिहड़े इत्थे आगू पहुँच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान चंद गुप्ता वो कह रहे कि मैं जब पहली बार पार्षद बनया तो वो उस वेले लाल किशन अडवाणी के नाल सरदार प्रकाश सिंह बादल उन्होंने पार्षद के समय पहली बार मिलन पहुंचे थे, उस वेले गलबात हुई सी और ये क्या कि सेवा करो। रजिंदर कौर भट्ठल वो कह रहे कि मेरे सियासी बखरेवे रहे हों लेकिन अगर एक आम लोगों की तरह देखा जाए वो विचरन मैनू मिलन पहुँचते सी, गलबात हुंदी सी, कोई भी काम होवे वो काम जिहड़ा वो किया जाता सी। तमाम सियासी लीडर पहुँच रहे, विरोधी धिरां दे बहुत सारे आगू जिहड़े ने पहुँच रहे ने। देखो ज्ञान चंद गुप्ता पहुंचे, रजिंदर कौर भट्ठल पहुंचे, लाल चंद पहुंचे, वख-वख सियासी पार्टियां दे आगू जिहड़े ने वह इस वेले इत्थे पहुंच रहे ने और हर कोई अपने अपने तरीके नाल श्रद्धांजलि दे रहा, अपने अपने तरीके नाल याद कर रहा, अपने अपने तरीके नाल नमन कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:15 एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और तकरीबन 12:30 जिहड़ा वा अकाली दल के दफ्तर पहुँचणगे। हरियाणा दे जिहड़े गवर्नर ने वो पहुँचणगे, पंजाब के गवर्नर ने वो पहुँचणगे। तो तमाम सियासी पार्टियां दे आगू वो अपने तरीके नाल सजदा कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केडी भंडारी तुहानू तस्वीरां च नज़र आ रहे होने, केडी भंडारी जदों अकाली भाजपा की गवर्नमेंट सीगी तां केडी भंडारी जिहड़े ने वो पहुंचे हुए सीगे, वख-वख तस्वीरां सी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल तमाम सियासी लीडर जिहड़े ने वो इस वेले इत्थे पहुंचे हुए ने। वख-वख तस्वीरां असी वख-वख एंगल तो दिखा रहे हैं। तो इस वेले केडी भंडारी की कुछ कह रहे ने वो भी सुन लेते हैं। केडी भंडारी क्योंकि जदों अकाली भाजपा की सरकार सी तां भाजपा के नाल भावें रिश्ता टुट गया होवे लेकिन अज हर कोई उन्होंने वक्रे तरीके नाल याद कर रहा है। उन्होंने जिहड़ा स्टाइल सी सियासत तो उपर उठ के विरोधियों नूं अपने अंदाज च अपने पासे लै लैना वो हर कोई सजदा कर रहा है। बादल साहब सबदे प्यारे सीगे, बादल साहब किसी एक पार्टी दे नहीं सीगे और बादल साहब ने जिन्ना प्यार सारयां नूं दित्ता वा वो एक एग्जाम्पल हैगी है
और सारे पोलिटिशियन उन्होंने को सीध लेनी चाहिए है। और मैं 10 साल उन्होंने काम किया है वै, और मैं बादल साहब को बहुत कुछ सीखा है वै। इस करके ऐसे इंसान ने चले जाना है जिथे परिवार की घाट है उत्थे पूरे हिंदुस्तान लिए एक बहुत बड़ी घाट पई है। और मैं महसूस करता कि बादल साहब लोगों के दिलों के ऊपर राज करते पे है और राज करते रहेंगे हमेशा ही। प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं तकरीबन 12:15 हरियाणा पंजाब के गवर्नर भी इतने पहुँच रहे हैं। बादल साहब का देखना देखो बादल साहब के जो PM साहब बने मोदी साहब तो उन्होंने चंशपन किए इस तो पता लगता कि बादल साहब का स्ट्रक्चर उच्चा सियासत के इस करके हर जो पोलिटिशियन है वह बादल साहब की दिलों इज्जत करता सगा और बादल साहब चले गए। सानू बहुत बड़ी क्षति हुई है पंजाब में, एक कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि थोड़े नाल तुसीं उन्हां नाल काम किया तुहानू जो सियासत तुसीं नवें नवें आए वो सियासत के मंझे हुए महारथी सीगे कि चीज़ जी थानू हमेशा याद रहेगी कि यह चीज़ मैं उन्होंने को सीखी है ये चीज़ मैंने उन्होंने सब तो वधिया लगी। बादल साहब की हलीमी बादल साहब की जी पंक्चुअलिटी है ये दो चीज़ा बादल साहब के बीच मैं देखी जिड़े कि बादल साहब के मन हर जगह टाइम पर पहुँचना और हरेक नूं बड़े प्यार नाल मिठत नाल बोलना एक बड़ी पोलिटिशियन की मैं कहना खूबी होंगी जी बादल साहब की। और मैं निजी तौर पर उन्होंने को बहुत कुछ सीखा वै अज इतने मैं बहुत वड्डी घाट पई है बहुत वड्डी घाट पई है। BJP के लीडर भी कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर भी कह रहे हैं और वख-वख सियासी पार्टियां के आगू जिहड़े ने वो इत्थे पहुँच रहे हैं। तस्वीर असी लगातार दिखा रहे हैं महेश इंद्र गरेवाल उन्होंने नाल भी गलबात करांगे क्योंकि महेश इंद्र गरेवाल होर ने लम्मा समा जिहड़ा वै वो काम किया वै सरदार प्रकाश सिंह बादल होर दे नाल और उन्होंने नाल भी थोड़ी देर बाद गलबात करांगे। मनप्रीत अयाली वो पहुंचे ने तो चाहे पार्टी के अंदर कोई रुसया होवे कोई अपना होवे विरोधी होवे बेगाना होवे हर कोई सजदा कर रहा हर कोई याद कर रहा हर कोई नमन कर रहा हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित जी है वो कर रहा वक्ो वक् अंदाज वक्ो वक् तस्वीर जीडिया वो दिखा रहे हैं। तो महेश इंद्र गरेवाल जड़े ने इतने पहुंचे ने होर सियासी लीडर इतने पहुंचे ने गलबात कर रहे हैं हर कोई अपने तरीके याद कर रहा है। तुहाडे नाल कोई अजिहा किस्सा जिहड़ा तुहानू याद होवे कि ये चीज़ वो वखरा बनाती सी ये चीज़ जिहड़ा सीखण नू बहुत कुछ मिलता सब तो जिहड़ा आनंद साहब बादल साहब ने जिहड़ी सर फैडरल ढांचा अपना ही रखा 1977 दे विच इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी ला के उस वक्त BJP नहीं सी जनसंघ सी सारे हिंदुस्तान दे इन्हों श्रोमणी अकाली सारे पार्टी वालों गिरफ्तार करती सी श्रोमणी अकाली दल वालों ये गिरफ्तार नहीं सी करते पढ़ते नहीं सी श्रो इंदिरा गांधी जोर ला रही सी कि तुसी मेरा साथ दो साथ दो ते तां कि मैं इन्हों खत्म कर सकां। इन्हें क्या बादल साहब ने कहा भी तुसी नहीं ये काम नहीं हो सकता तुसी लोक राज खत्म करना चाहते हो तुसी फैडरल ढांचे नहीं बन देना चाहते तुसी किसी सच की आवाज़ नहीं करते तुसी स्टेटा के अधिकारा खत्म कर चाहते मैं लोक राज खत्म वास्ते साड़ी लोक राज पार्टी आ सरबत का भला मंगने वाली पार्टी आ असी किसी धक्का होगा ये कर सकते उन्होंने उन्होंने बदले जन 19 महीने जेल कट्टी और एमरजेंसी ला के जिस तरह लखा दे इन्हों की वाही थले श्रोमणी अकाली दल ने अपने जेलां भरिया और सारी दुनिया के फिर इन्हों की BJP कांग्रेस वाले की छूत हुई अखीर इनू अपना इंदिरा गांधी एमरजेंसी वापस लैनी पी। ठीक है एमरजेंसी के दौर के जोड़े उन्होंने साथी रहे है वो उन्होंने याद कर रहे हैं वक्ो वक् तरीके दे नाल, वक्ो वक् अंदाज दे नाल जिहड़े उन्होंने साथी रहे है चाहे एमरजेंसी के दौर के समय रहे हो चाहे जदों खाड़कू दौर से उस वेले दे होन तुहाडा तुसी लम्मा समा किहड़ा किस्सा तुहानूं सब तो ज़्यादा याद आता तस्वीर असी लगातार दिखा रहे हैं इस वेले होर तस्वीर जिहड़ियां वै वो दिखा रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके नाल सजदा कर रहा अपने अपने तरीके नाल उन्हां नूं जिहड़ा वै उन्हां नूं याद कर रहा वै तो यह तस्वीर असी लगातार जिहड़ियां वै वो दिखा रहे हैं। इस वेले गौरव मेरे नाल ने गौरव वख-वख सियासी लीडर पहुँच रहे हैं एमरजेंसी के दौर का याद किया जा रहा है उन्होंने कि एमरजेंसी किस तरीके जो इंदिरा गांधी वालों एमरजेंसी लगाई गई उस वेले जेलां भरियां उस वेले उन्होंने जोड़ा अंदाज रहा। सरना भरा भी पहुँच गए हैं और परमजीत सिंह सरना जेड़े कट्टर विरोधी रहे एक समा दिल्ली की सियासत के भी पहुँचे ने किस तरीके प्रकाश सिंह बादल सरदार प्रकाश सिंह बादल होरों क्योंकि तुम एक समा से कट्टर विरोधी भी रहे कट्टर मुरीद भी रहे
इकट्ठे काम भी किया इकट्ठे दुश्मनी भी रही कि चीज़ है जी तुम लगता है कि सियासत उन्होंने वक्रा बनाती सी और तुहाडे नाल कोई अजिहा किस्सा जिहड़ा तुहानू याद होवे। देखो जी मेरे संबंध उन्होंने नाल 1975 दे आ गया और दुश्मनी जी कदी नहीं रही विचारा के विच साझ नहीं रही क्योंकि और सारी गल तुम पता है पर मैं ये गल कह सकता वो जिस जगह पर पहुंचे हैं वो अपनी दूर अंदेशी नाल धमन मराजी नाल और सांस भाव नाल और वो कभी शो नहीं सन होने देते भी मेरे ये नाल कोई उन्नी की गल है या की है। ये सब तो वड्डी खासियत सी और सब तो वड्डी गल सी कि बहुत सारे अकाली लीडर का ऑपरेशन नाल सेंट्रल की सरकार नाल संबंध रहे पर इन्हों के संबंध सब तो उपर सन। मैं 1975-76 तो देख रहा कि जय प्रकाश नारायण वर्गे लीडर भी इन्हों का सत्कार करते सन और इन्हों की गल नूं तरजीह देंदे सन। तो उम्मीद है मैनू कि यह जिहड़ा घाटा है पूरा तो नहीं हो सकता पर सरदार सुखबीर सिंह नूं बड़ी मदद होगी उन्हां नाल काम करदे आ तारे परिवार विच फिर बाद विच सियासत दे विच और मैं आस करदा कि जो उन्होंने उन्हां कोल सेध लई है उस सेध ने नाल वो पंथ नूं एक सुचजी योग अगवाई देणगे राजनीतिक तौर पर भी पंथक तौर पर भी धार्मिक तौर पर। दिल्ली की सियासत के भी वड्डे वड्डे धुरंधर जड़े ने वो इत्थे पहुंचे ने कुलवंत बाठ ने बाठ साहब किस तरीके दे नाल तुसी उन्हां नाल लंबा समा काम किया है केड़ी चीज़ है जिहड़ी तुहानूं लगता है कि बिल्कुल वक्रा बनाउंदी सी सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां नूं। देखो जो मैं समझदा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जिन्हां दे कोलों अगर सीखण की गल करिए तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। एक तो वो जिहड़ा प्यार सी जिहड़ा निघ सी उन्हां दा वो हरेक वर्कर नूं मिलदा सीगा और बहुत ही हलीमी दे नाल बहुत ही निम्रता दे नाल वो छोटे तो लैके वड्डे वर्करां नूं लीडरां नूं मिलदे सी और सारयां नूं गलवकड़ी च रखदे सी। सो मैं समझदा कि उन्हां दे जाण दे नाल जिते एक सियासत दे बाबा बोहड़ कहा जांदा सी पंजाब नूं जिते घाटा उत्थे परिवारक तौर ते बादल परिवार नूं भी घाटा है। सो ये घाटा आने वाले समय च मेरा ख्याल है शायद पूरा ना हो सके। सो एक युग का अंत होया मैं ये कह सकता प्रकाश सिंह बादल जी के जान तो बाद पंजाब के लोगों और पंजाब की सियासत के जिहड़ा उन्हां दा खला है शायद आने वाले समय के पूरा ना हो। एक युग का अंत होया ये हर कोई इस गल नूं कहिंदा होया नज़र आ रहा है।